आप कभी भी यूके आएँ और आपको आयरलैंड जाना हो या आयरलैंड से यूके जाना हो तो बाय फेरी जाएँ, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज हम ड्राइव प्लस फेरी सेल कर रहे हैं हॉलीहेड से डबलिन तक। कि हम अभी नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में गाड़ी चला रहे हैं और हमारी मंजिल है अभी हॉलीहेड। हॉलीहेड वेल्स में है। वेल्स जो है वो ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम का एक स्टेट है, वेल्स, उधर हम जा रहे हैं। वेलकम टू स्टैनलाइन कार्स एंड कोचेस। अभी जहाँ पे बैठा हूँ वो एक स्टैनर लाइन की बहुत बड़ी फेरी है जिसमें हमारी गाड़ी अंदर पार्क हो गई और हम ऊपर आके डेक में बैठे हुए और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेरे साथ जगह फ़र्क भी है, ये भाग रहा है, फ़र्क भाग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? सिनेमा? हाँ, जा रहे हैं सिनेमा। ये देख लें आप, ये पूरी फेरी है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? कैबिन्स जो हैं वो डेक 8 और 9 पे, यानी कि 8वीं और 9वीं मंजिल में, प्लस लाउंज है, मूवी लाउंज है, लिविंग रूम है, गेमिंग है, वीडियो गेम्स है, बाहर है। अभी हम फ्री के मज़े ले रहे हैं, मूवी लाउंज की तरफ चलते हैं। ये देखें एक और डेक बनी हुई है यहाँ पे और हम लोग जा रहे हैं उस साइड पे, मूवी है, बाथरूम वगैरह सब कुछ होंगे यहाँ पे। चेक करो सर्विस के 13 मिनट आफ्टर डिपार्चर, लेकिन ये तो शुरू हो चुकी होगी क्या? ये शुरू हो चुकी है मूवी। सबसे पहले तो हम आ गए मूवी लॉन्च में, देखें तो अंधेरा हो रहा है, पता नहीं है फ्री की मूवी है पैसों की है। ये इस टाइप के सोफा, रिक्लाइनर टाइप के लगे हुए, अभी अंधेरे में आपको सही दिख नहीं रहा होगा। अब हम जा रहे हैं गेमिंग रूम में। चलो इधर से निकलो। Find out on the screen what's going on here. Where is the gaming room? इधर है, इधर gaming room है। पूरा map है इस पूरी फेरी का, क्योंकि बहुत बड़ी फेरी है, ठीक है ना? ओ या, मिल गया भाई, gaming room मिल गया, मुबारक हो। ओके, यहाँ पे vending machine लगी हुई है, खेलना है ये? Casino भी है, gaming आप कर सकते हैं यहाँ पे। या इट्स नाइस casino, तुम्हें आता है खेलना? तो बच्चों के लिए छोटी छोटी सी राइड्स और गेम्स हैं, ये वीडियो गेम्स हैं। तो हम दोबारा डाउनस्टेयर जा रहे हैं, देखिए उधर एक जगह है जहाँ से हम बाहर का नज़ारा कर सकते हैं जो कि ओपन एयर स्पेस है। ये चेक करें आप, यहाँ पर बैठने की जगह है, खूबसूरत समंदर, हम समंदर के बीच में चल रहे हैं और ये देखिए मंदिर, दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी पानी नज़र आ रहा है, नथिंग एल्स, और एक खूबसूरत चांद निकला हुआ है, वाह। ये फेरी है कोई 4 घंटे की हॉलीहेड वेल्स से डबलिन तक की, लेकिन अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपको तकरीबन 5-6 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है वेल्स तक के लिए, जो कि अभी हमने तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव की है अपने वेल्स तक के लिए, और उसके बाद हम फेरी है 4 घंटे की और उसके बाद डबलिन फोर्ट से आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ चले जाएँ, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इधर फेरी में जो फैसिलिटीज़ हैं ज़बरदस्त हैं, मैंने पहले
कैबिन बुक करा लेते हैं, ठीक है, इधर ज़रूरत ही नहीं कैबिन की। तो 4 घंटे की फेरी है, इसमें हंसते कैसे में टाइम पास करना, ये है ज़िंदगी की कहानी। ये चेक करें आप, लेकिन सेफ्टी का इंतज़ाम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन लाइफ बोट्स हैं इधर, ये इन केस ऑफ एमरजेंसी ये बोट सारी गिरती हैं इधर पानी में। ये खाना भी लेके आए थे, ये जैतून का खाना है मेरे। She offered me some ace and she told me it would take me places. लेकिन ये फेरी जो होती है अगर आप गाड़ी के साथ करें तो वो थोड़ी सी महंगी है, यानी कि 150-200 यूरो में होती है आपकी गाड़ी समेत, और एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए आपको 40 यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए। चेक इट आउट, यहाँ पर आप मज़े से बैठे कॉफ़ी पी, बहुत खूबसूरत एक चीज़ लग रही है सनसेट में, आपको चेक करा दो, ये देखिए वाह। ज़बरदस्त, ये शीशा थोड़ा ख़राब हो रहा है, इतना खूबसूरत सन है वाह। ये देखिए ये फेरी का सामने का हिस्सा है, ये स्टैंडर लाइन का इसका झंडा भी लगा हुआ है। घंटे लगातार ड्राइव किए मैंने मेल्टन कीज टू ऑलियर। अब यह है कि हालत पूरी हो रही है, बिल्कुल इसने बहुत लंबी ड्राइव की असल में। हाँ जी, मैं अभी सो के उठा हूँ, डबलिन पोर्ट पर हमारी फेरी लग रही है। ये सारा डबलिन पोर्ट का एरिया है। रात के 12 बज रहे हैं और 8 बजे निकले थे और रात को 12 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 4 घंटे की फेरी थी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आई होगी, थोड़ा सा फेरी के बारे में आपका एक्सपीरियंस हो गया कि भाई ऐसे ऐसे सफ़र करना है और ये फैसिलिटीज़ होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब ऑन द गो विद जाफरी, फेसबुक पे भी पेज है। ओके, आई सी यू सून, खुदा हाफिज़। No black holes, bright as none of that. No curves, no nothing. What you see when you look at the horizon? No earth, just flat. No black holes, bright as none of that. दस घंटे ड्राइव के बाद, 4 घंटे घर पे गुजारने के बाद, दोबारा से हम जा रहे हैं इंग्लैंड।